तरीके से देख सकते हैं कि घाटा टोपी फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है लगभग, और इसका कल उद्घाटन होने वाला है। तो देखिए, हम आज आए हैं, अचानक इधर मेन रोड तरफ आना हुआ तो मुझे तो देख रहा था कि यह बहुत हद तक यह काम हो चुका है और कल इसका उद्घाटन होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से सजाया जा रहा है, और सजाने के बाद यह काफ़ी सुंदर दिख रहा है। देखिए, बहुत ही सुंदर, और कल जब इसका उद्घाटन होगा तो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा, और बहुत ही जब यहाँ से गुजरेंगे तो देखिए आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा यह दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, और इस तालाब के सामने आपको और भी अच्छा यह सीन दिखाई देगा। यह पुल के ऊपर से जब यह तालाब को देखेंगे तो यह तालाब बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। जब यहाँ की लाइट जल कर उठेगी तो यह और ही अच्छा दिखेगा। तो यह इस पुल का उद्घाटन कल होने वाला है। इस पुल का उद्घाटन कल हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन, और यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के विधायक और राज्यसभा सांसद, जो माननीय अतिथि हैं, वे सभी आएंगे और आके इस पुल का भव्य उद्घाटन करेंगे। और इस उद्घाटन में देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है, फूलों से इसको सजाया गया है। तो यह बनकर तैयार है अब रांची वासियों के लिए, और रांची के लोग अब इसको इसका मज़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा, सुंदर और आकर्षक पुल बनकर तैयार हो गया है, और इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कल दिनांक 4/10/2024 को होने वाला है। ये देखिए पोस्टर, यहाँ की जो लाइटिंग लगी हुई है, जब यहाँ की लाइट को जलाया जाता है तो यह बहुत ही अच्छा। देखिए यह बिल्डिंग का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, और ये देखिए जब इस पुल से गुजरेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा। और रांची वासियों के लिए और एक तोहफा ये जो झारखंड सरकार देने वाली है, तो इसको पाकर और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पे तरह तरह से सजाया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पुल का उद्घाटन करेंगे। देखिए अभी यह पुल सिरमटोली से सीधे कांटाटोली, जो भी इस रास्ते से गुजरेंगे वह इसी रास्ते से होकर आएंगे और ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। आज लगभग सभी कार्य पूरा हो चुका है, देखिए सभी जोर तोर तैयारी के साथ शुरू होगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ कुछ कार्य लगता है अभी बाकी है। पथ निर्माण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा योगदा सत्संग आश्रम बहुबाजार कांटाटोली शांति नगर कोकर फ्लाईओवर रांची परियोजना, उसकी लंबाई है 2240 मीटर, सहजानंद चौक जज कॉलोनी फ्लाईओवर सिरमटोली कांटाटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर बिरसा चौक धुरवा गोल चक्कर 4 लेन पथ तथा मुटकुरिया फ्लाईओवर एवं कोंको चौक विनोद बिहारी चौक गोल बिल्डिंग 8 लेन पथ धनबाद। तो इस प्रकार शिलान्यास की जाने वाली 27 योजनाओं का सभी यहाँ पे दिया गया है, और इस सभी का उद्घाटन कल होने वाला है। और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ये देखिए, जब कब बन रहा था तो लगता था कि कब पूरा होगा, और यह आज लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तरह तरह के बोर्ड बनाए हुए हैं, वाहन धीमा चलाएं, अपनी कीमती जान बचाएं, तो सारी सुविधाओं को यहाँ पे देख कर जोड़ा गया है। ये देखिए पुल से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं, और यह पुल काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा।
ये देखिए यहाँ से संतपोल कॉलेज बहुत ही सुंदर दिखता है, और जब आप ऊपर से गुजरिएगा तो आपको और भी अच्छा फील होगा। तो ये देखिए कांटाटोली फ्लाईओवर लगभग बन के पूरा हो चुका है, और कल इसका उद्घाटन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और कल इसका अनुभव ले सकते हैं। इस प्रकार से यही है कांटाटोली फ्लाईओवर जो कोकर से बोहबाजार को जोड़ती है, और इस चौक एक चौक से दूसरे चौक को वो आसानी से भीड़ भी कम हो जाएगा, और हमारी जो भीड़ की समस्या होती थी अब वह भीड़ की समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। तो ये देखिए तो इस प्रकार देख सकते हैं कि यह रास्ता बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बन गया है, और कल रांची वासियों को यह तोहफा मिलने वाला है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर व्यू। देखिए जगह जगह पर सड़क सुरक्षा को लेकर यह पोस्टर लगे हुए हैं। जब हम लोग इस रास्तों से होकर गुजरेंगे तो कुछ अलग ही फील होगा, क्योंकि पहली बार जब इस फ्लाईओवर से गुजरा जाएगा। हम लोग कांटाटोली के नीचे से पार होते थे, अब हमें ऊपर से जाना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर यह पुल बन के लगभग तैयार हो चुका है, और कल इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न होगी, और काफ़ी हद तक रांची वासियों को यह फ्लाईओवर में जाम की समस्या से छूट मिल सकती है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों को एक और तोहफा देंगे, और अपने जो 5 वर्ष के कार्यकाल में यह एक बहुत बड़ा तोहफा उनके लिए माना जाएगा। तो ये था वीडियो हमारा कांटाटोली फ्लाईओवर का। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस फ्लाईओवर में हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू।